प्रिय मित्रों, आज माँ वैष्णो देवी की कथा आपको हम कहेंगे। ऐसे तो माता वैष्णवी देवी की कितनी कथाएं प्रचलित है, लेकिन मुख्य कथाएं जो है दो है। प्रथम कथा है कि एक बार पहाड़ों वाली माता ने अपने एक परम भक्त पंडित श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी लाज बचाई और पूरे सृष्टि को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। वह हंसाली गांव में वैष्णवी के परम भक्त श्रीधर रहते थे। वह निसंतान होने से दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने नवरात्रि पूजन के लिए कुंवारी कन्याओं को बुलाया। माँ वैष्णो कन्या वेश में उन्हीं के बीच आ बैठी। पूजन के बाद सभी कन्या तो चली गई, पर माँ वैष्णो देवी वही रही और श्रीधर से बोला कि सबको अपने घर भंडारे का निमंत्रण दे आओ। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आस पड़ोस के गांव में भंडारे का संदेश पहुंचा दिया। वहां लौट कर आते समय गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ जी के साथ उनके दूसरे शिष्यों को भी भोजन का निमंत्रण दिया। भोजन का निमंत्रण पाकर सभी ग्रामवासी आश्चर्यचकित हो गए कि वह कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। इसके बाद श्रीधर के घर में अनेक गांववासी आकर भोजन के लिए जमा हो गए। तब कन्या रूपी माँ वैष्णो देवी ने एक विचित्र पात्र से सभी को भोजन परोसना शुरू किया। भोजन परोसते हुए जब वह कन्या भैरवनाथ के पास गई, तब उन्होंने कहा कि मैं तो खीर पूरी की जगह मांस भक्षण और मदिरा पान करूँगा। तब कन्या रूपी माँ ने उसे समझाया कि यहाँ ब्राह्मण का भोजन है, यहाँ मांसाहार नहीं किया होगा, यहाँ नहीं खिलाया जाएगा आपको। किंतु भैरवनाथ ने जानबूझकर अपनी बात पर अड़ा रहा। जब भैरवनाथ ने उस कन्या को पकड़ना चाहा, तब माँ ने उसके कपट को जान लिया। माँ ने वायु रूप में बदलकर त्रिकुट पर्वत की ओर चली। भैरवनाथ भी उनके पीछे गया। माना जाता है कि माँ रक्षा के लिए पहले से ही वहाँ पवन पुत्र हनुमान नियुक्त थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त भी हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर बाण चलाकर एक जल की धारा निकाल दी और उस जल से अपने केश को धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने से या इसके स्नान करने से श्रद्धालु को सारी थकान और तकलीफें दूर हो जाती है। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 महीने तक वहाँ पर तपस्या की। भैरवनाथ भी उनके पीछे तक वहाँ आ गया। तब एक साधु ने भैरवनाथ से कहा कि तू जिस एक कन जिसे तुम एक कन्या समझ रहा है, वह आदि शक्ति जगदम्बा है, इसलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ जो साधु की बात नहीं मानी, तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भ पूजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते हुए मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरव से युद्ध किया। भैरव ने फिर भी हार नहीं मानी। तब वीर हनुमान निढाल होने लगे। तब वैष्णवी ने महाकाली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार कर दिया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन से 8 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर से नाम से जाना जाता है, जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया। वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान है। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही वैष्णो देवी कहा जाता है। इन तीनों भव पिंडियों के साथ कुछ श्रद्धालु भक्त जम्मू कश्मीर के पूर्व नरेश के द्वारा स्थापित मूर्तियां एवं यंत्र की पूजा भी करते हैं। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उन पर हमला करने के पीछे भैरव की प्रमुख मनसा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरव को पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान की, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन
तब तक पूरी नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। उसी के मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर चढ़कर भैरवनाथ के दर्शन करने को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए ध्यान मग्न हो गई। इस बीच पंडित श्रीधर अधीर हो गए। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते से आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडी की पूजा की और अपनी दिनचर्या बना ली। देवी उनकी पूजा से प्रसन्न हुई, तब वे उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज देवी माँ वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं। दूसरी हिंदू धर्म के कथाओं के अनुसार जगत में संसार में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों पर बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और 3 तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी भाग में रामेश्वर में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई सालों से संतानहीन रत्नाकर ने अपनी बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। लगभग 9 वर्ष की होने पर जब उस कन्या को मालूम हुआ, तब भगवान विष्णु ने इस भूलोक पर भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिया। तब वह भगवान श्री राम को पति मानकर उसको पाने के लिए कठोर तप करने लगी। जब सीतारहण हुआ, सीता की खोज करते हुए भगवान श्री राम रामेश्वर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम आपसे शादी करना चाहते हैं माँ वैष्णवी ने। तो भगवान श्री राम ने कहा कि इस जन्म में तो हम आपसे विवाह नहीं करते हैं, इसलिए कि इस जन्म में मैंने एक पत्नी व्रत रखने का वचन लिया है, किंतु मैं कलयुग में कल्कि अवतार जब लूँगा तब मैं आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करूँगा। तब तक आप हिमालय पर्वत त्रिकुट पर्वत की पर ही रहकर तप कीजिए और भक्तों के कष्ट और दुखों का नाश और जगत का कल्याण करते रहिए। जब श्री राम ने रावण के विरुद्ध विजय प्राप्त किया, तब माँ ने नवरात्र मनाने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में लोग नवरात्रा के 9 दिनों की अवधि में रामायण पाठ करते हैं। श्री राम ने वचन दिया था कि समस्त संसार द्वारा माँ वैष्णो देवी की स्तुति गाई जाएगी, त्रिकुटा वैष्णो देवी के रूप में प्रसिद्ध होगी और सदा के लिए अमर हो जाएगी। तो बोलिए जय माता दी, जय।